झांसी के मोरानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम मऊ देहात में बने ग्राम पंचायत में बनी दुकान को लेकर काफी पूर्व प्रधान द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। बिना किसी अनुमति के तोड़ी पंचायत भवन की बाउंड्री। पंचायत भवन का जब निर्माण हुआ तो उसके साथ एक गोदाम भी बनाया गया, जिसे बाद में शटर लगाकर दुकान का रूप दे दिया। बाद में पंचायत भवन की बनी बाउंड्री को तोड़कर दुकान को अलग किया जा रहा था। इस संबंध में जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की तो उन्होंने मौके पर अधिकारियों को भेजा और उन्होंने उसे तुरंत रुकवा दिया। उसके बाद प्रधान द्वारा अपने बचाव में बाउंड्री को दोबारा बना दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान द्वारा दुकान को ग्राम पंचायत भवन से अलग करके बेचा जा रहा है। जब इस संबंध में एडीओ पंचायत से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रधान का कार्यकाल खत्म हो चुका है, ऐसे में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा दोबारा किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। सर, जो मऊ देहात में पंचायत भवन है उसमें दुकान का निर्माण चल रहा है, क्या मामला है पूरा? एक्चुअली क्या है कि जो पंचायत भवन बनाया गया था तो जो ग्राम समाज की जमीन थी तो ग्राम प्रधान ने उसका प्रस्ताव डाल के उसमें जो एक्स्ट्रा एरिया था तो उसमें एक गैरेज बनाया था, या उसको दुकान के रूप में या गैरेज के रूप में जो हो, तो उनके मंशा थी कि उसको गांव पंचायत के द्वारा उसका आवंटन कर दिया जाए। लेकिन जो जिला पंचायत अधिकारी के अनुसार आदेश हुआ था कि गांव पंचायत की आय बढ़ाने हेतु दुकानों का निर्माण कराया जा सकता है, लेकिन उनको प्रधान पद से उनका कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत उसके मौके पे जैसे हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ मौके पर गए, हम थे वीडियो सर थे, उसको देखा तो उसको तत्काल उनको बनी को बना उसका निर्माण करकाया, उसको तत्काल का उनको दुकान का आवंटन करने पर रोक लगा दी। ग्रामीणों ने भी गंभीर आरोप लगाया कि प्रधान द्वारा इसको बेचने का काम किया जा रहा है। हाँ, ऐसा अभी कुछ नहीं है, तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी है, प्रधान को निर्देशित कर दिया है, संबंधित सचिव को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। यदि किसी प्रकार की कोई इसमें निर्माण कार्य या किसी प्रकार का वो होता है तो संबंधित के खिलाफ तत्काल FIR कराने की संस्तुति कर दी जाएगी। क्या नाम है? देवेंद्र कुशवाहा। क्या है यहाँ पर, क्या पूरा है? यहाँ पर पहले पंचायत भवन का निर्माण किया गया था, इसमें एक कमरा भी बनाया गया था जो सामान रखने के लिए अपन सभी लोग बनाते हैं, बोलिए वो सामान रखा रहेगा जो खराब सामान होता है। इसके बाद उन लोगों ने उसको बंद कर दिए बाउंड्री से और यहाँ पर दुकान बना रहे हैं प्रधान जी। कौन लोग बना रहे हैं? गुड्डू प्रधान। फिर जी कैसे इसका निर्माण रुका है? ये कल पे हम लोगों ने रोका तो वे आए थे प्रधान जी ने, फिर उन लोगों को बोला, नेपाल लोगों आए थे, उन लोगों ने काम बंद कराया। आप लोगों ने शिकायत की थी क्या? जी हाँ की थी। किससे की थी? SDM की। उन्हीं के आदेश पे रुका है ये काम? हाँ, उन्हीं के आदेश पे रुका है। क्या नाम है आपका? कालीचरण कुशवाहा। कौन से ग्राम है ये? मऊ देहात। क्या परेशानी है आपको? जे टोखर की जमीन थी, जलगमन भूमि, इसमें पहले पंचायत भवन बनाया गया, हमारा मुकदमा चल रहा था, पोखर थी उस पर मुकदमा हमारा चल रहा था, फिर उन्होंने मुकदमा चलते ही इन्होंने पंचायत भवन बनवा दिए। पंचायत भवन बनाने के बाद इन्होंने फिर इस गोदाम का निर्माण कराया जो तोड़कर अभी वर्तमान समय में कल इन्होंने बाउंड्री तोड़ी, अंदर से बाउंड्री को अलग किया गया, दुकान को अलग करके इसमें दुकान का वो कराया, निर्माण कराया। और जब मैंने SDM को फ़ोन लगाया तो SDM के फ़ोन के अनुसार तहसील कर्मचारी आया और लेखपाल आया तो फिर गुड्डू सैयद अकरम गुड्डू प्रधान भी आ गया, तो उन्होंने बुकर DPRO के कहने पर जी काम हो रहा है। जब DPRO के काम कहने पर एक काम हो रहा है तो दोबारा ये बाउंड्री क्यों बना दी गई? लेखपाल के कहने के अनुसार बाउंड्री बंद करा दी उन्होंने, बोले हम बंद करा दें, अब कुछ नहीं होगा।